किसानों के बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जहां शहर शहर में दिखाई दिए, वहीं राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप भी अपने सपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर निकले। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर निकले ही थे कि अचानक पुलिस का घेरा पहुंचा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अरविंद सिंह गोप के समेत रोक लिया गया। पुलिस ने जब इन्हें आगे जाने से मना किया तो सपा कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद सिंह गोप सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अरविंद सिंह गोप ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार किसानों के बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। सुबह 5 बजे से पूरे प्रदेश में पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इसके साथ ही अरविंद सिंह गोप ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को मानना चाहिए और किसान जो कृषि बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में इसी तरह प्रदर्शन करती रहेगी। ये लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी के नेता, हम सब के नेता अखिलेश यादव के निर्देश पे हम लोग शांतपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। सुबह 5 बजे से पुलिस का घेरा है। हम जैसे लोगों को घर के बाहर नहीं कर देता है। हमारे अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सभासद लोग हैं, हमने अपनी बात को रखा है। हम सरकार से फिर अपील करना चाहते हैं कि काला कानून वापस करो। अगर काला कानून नहीं वापस होता है तो समाजवादी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग अखिलेश यादव के सिपाही हैं, पुलिस हमको रोक नहीं सकती। हम लोकतंत्र तरीके से